वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो इन टूडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइप्स ट्रांसड्यूसर्स, मतलब ऐसे ट्रांसड्यूसर जो हमें डिस्प्लेसमेंट मेजर करके देते हैं। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। तो इस चीज का जो यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं काम क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न दिस थिंग। तो ये चीज हमें डिस्प्लेसमेंट मेजर करके देखनी। डिस्प्लेसमेंट कैन बी मेजर्ड विथ इट, ओके। इससे हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग दैट विच टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर इज दिस। सो दिस इज एन इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर बिकॉज इट इज एन इंडक्टिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर क्यों? क्योंकि ये जो वर्क करेगा इट विल बी वर्किंग ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल, ओके। इसके ऊपर वर्क करेगा। सो अल्टीमेटली हियर आई हैव रिटन इट्स ट्रांसड्यूसर बट इट इज ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर जो है वो किस चीज पे वर्क करता है? इट इज मोर ऑफनली वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो उस तरीके से जो है ये हमें मेजर करके देगा कि किस तरीके से हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो दैट विल बी सीन इन दिस लेक्चर दैट हाउ इट इज बीइंग डन। सो दैट इज आल्सो नोन एज द डिस्प्लेसमेंट टाइप ट्रांसड्यूसर। ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट मेजर करके दे रहा है। सो इट इज ऑफनली कॉल्ड एज एन डिस्प्लेसमेंट टाइप ट्रांसड्यूसर। द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो भी मेरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी मेजर्ड, ओके। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैन बी मेजर्ड, और ये जो मेजर करेगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर इज ऑल्सो अ पैसिव ट्रांसड्यूसर। इसे हम कैसा बोलते हैं? इट इज माई पैसिव ट्रांसड्यूसर बिकॉज इट विल रिक्वायर द एक्सटर्नल सोर्स टू बी अटैच्ड विथ इट, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क, ओके। अगर आप बाहर से कोई सप्लाई नहीं दे रहे हो देन इट विल नॉट वर्क, ओके। सो वी नीड टू अप्लाई समवॉट वोल्टेजेस टू दिस पर्टिक्युलर सर्किट। So that is why it is a passive type of transducer, because it is requiring the AC excitation source of transduction of the linear displacement into the electrical, okay। तो इस तरीके से जो है वो मेरा linear variable differential transformer define होता है। So now understand how it will measure the displacement। सो वी आर गोइंग इन टू दी कंस्ट्रक्शन पार्ट। अभी जो है वो हम कंस्ट्रक्शन पार्ट के अंदर आ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वायर एन एसी सोर्स। एज वी नो इट इज एन पैसिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। सो अल्टीमेटली वी विल हैव अ प्राइमरी कॉइल ओवर हियर। दिस इज माई प्राइमरी। वन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होगा मेरा एक, जिसे हम कोर के तरीके से यहाँ पे यूज कर रहे हैं, दैट इज प्लेस्ड ओवर हियर। उसे हम यहाँ पे प्लेस्ड करते हैं, और ये जो है
इट विल मूव अलोंग विथ द एक्सिस। ये जो मेरी एक एक्सिस हो जाएगी, इस एक्सिस के साथ इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस वे। ओके, तो अभी आप थोड़ा बहुत समझ में यहां पे आ रहा होगा कि कैसे ये हो रहा है। सो नाउ अंडरस्टैंड हाउ द सेकेंडरी कॉइल्स आर अटैच्ड। सी, दिस इज माई वन सेकेंडरी कॉइल, दिस वन इज द सेकेंडरी कॉइल प्लेस्ड ओवर हियर। नाउ देयर टर्मिनल्स आर कनेक्टेड लाइक दिस वे, दिस बोथ आर कनेक्टेड एंड दिस वन आई एम शोइंग द टर्मिनल्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर कॉइल्स आर ओवर हियर। सी, दिस वे इट कैन बी, दिस इज माई सेकेंडरी कॉइल। यहां पे आप देख रहे होंगे कि दो अलग अलग कॉइल्स है। सो दिस इज कॉल्ड एज एन ES1 एंड दिस वन इज कॉल्ड एज एन ES2। ओके, दिस इज माई प्राइमरी वाइंडिंग्स, इसे हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। दिस इज माई AC एक्साइटेशन सोर्स। ओके, सो यहां पे आप देख रहे हो कि ये जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा, इट विल गिव यू दी डिफरेंशियल आउटपुट। डिफरेंशियल आउटपुट माने क्या हो रहा है, दिस टू वोल्टेजेस विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब लाइक दिस वे, EO इज इक्वल्स टू ES1 माइनस ES2। जो डिफरेंस मिलेगा इन दोनों का, दैट विल बी एट द आउटपुट टर्मिनल्स। ओके, सो दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन कैन बी मेड इन द लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। सो एज वी नो, दिस आर्म दैट इज कोर अटैच्ड विथ इट विल मूव अलोंग विथ द एक्सिस। ओके, ये जो मूवमेंट है वो यहां से आएगा, इट विल बी कनेक्टेड विथ द मेजरिंग पर्टिकुलर मटीरियल के जहां से ये डिस्प्लेस हो रहा है, जो मटीरियल डिस्प्लेस हो रहा है उसके साथ दिस कोर विल बी अटैच। सो व्हेनेवर सम काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कुछ डिस्प्लेसमेंट वहां पे आ रहा है, देन दिस कोर विल बी मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स द राइट डिरेक्शन। सो एंड वॉट इट विल डू, इट विल इंड्यूस द वोल्टेजेस फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड वेन एवर इट मूव टूवर्ड्स दिस लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पर जब ये मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, यहां का जो वोल्टेजेस है दैट विल बी लिंक्ड विथ द ES1 कॉइल एंड वेन एवर दिस कोर मूव टूवर्ड्स द ES2। ठीक है, ये ज्यादातर बड़ा सा पार्ट इसका ES2 के साथ अगर लिंकेज हो रहा है इसका फ्लक्स, देन इट विल बी bigger amount of this ES2. So there will be three conditions, either this core it will be at the exact center of this both the two coils, either this core will be at the towards the left side or either this core will be at towards the right side. So ultimately there are three types of cases being produced in the working of this linear variable differential transformer. So we have already understood that it is working on the mutual induction principle. So here I will written it over here. So for the note purpose, you can say that it is working on the mutual induction principle. Okay, so this is the way you can easily find out. After that, see, the working will be divided into the three parts. We are taking the first case right now. As we know, there are three cases being produced at the working condition. Either this core will be more oftenly linked with this ES1,
either this will be at the exact center point or it will be at the right side with linkage with the ES2. Okay, so first case जो हम यहाँ पे ले रहे हैं तो that is the core when core is at its normal position. ठीक है, ये जो है वो exact normal position center पे जो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो उस position में है, तब की बात कर रहे हैं. So with the both the secondary windings is equal to क्या हो जाएगा, 5S1 is equals to 5S2 and hence equal EMFs are induced in both secondaries. Okay, तो दोनों के अंदर एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा. तो अगर दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा देन द केस विल बी लाइक दिस वे दैट ES1 इज इक्वल टू ES2. तो अगर आप इसका यहां पे डिफरेंस निकालोगे एज पर दिस इक्वेशन देन इट विल बी जीरो. ओके, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी जीरो. सो जीरो मीन्स is it is at the null position. Okay, कहाँ पे है, null position पे है. Now for the second case के लिए यहाँ पे आप ले रहे हो, then for the second case the core is moved to the left. Okay, when core is moved towards left. Okay, तो यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं कोर की पोजीशन. अभी यहां पे अगर प्लेस्ड है, आई एम ड्रॉइंग विथ द रेड पेन. ओके, यहां कहीं पे प्लेस्ड हुआ है मेरा कोर. ओके, तो ये जगह ऐसी है कि यहां पे मतलब थोड़ा सा इसको इस तरीके से इस तरफ एज्यूम कर लीजिए, देन द मोर फ्लक्स लिंकेज विल बी विथ द ES1. सो ES1 जो है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी बिगर. सो ES1 विल बी ग्रेटर देन द ES2. सो नाउ द केस विल बी डिफरेंट. सो इफ यू विल टेक द E0 एज इक्वल्स टू ES1 माइनस ES2 देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इज पॉजिटिव. क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है और ये मेरा छोटा अमाउंट है. सो द आउटपुट विल बी पॉजिटिव वोल्टेज एंड दिस पॉजिटिव वोल्टेज वी कैन से दैट द वोल्टेज एट द आउटपुट टर्मिनल्स इज इन फेज विद द प्राइमरी वोल्टेज. हम क्या बोल सकते हैं कि E0 आउटपुट वोल्टेज इज इन द फेज विथ द प्राइमरी. ओके, सो अल्टीमेटली दिस विल बी द सेकेंड केस. नाउ फॉर द केस थ्री के लिए अगर हम डिसाइड करें तो केस 3 विल बी लाइक दिस वे. दिस इज माई थर्ड केस. दिस कोर इज नाउ दिस एट दिस पोजिशन. सो अगर मेरा इस पोजिशन पे अगर कोर है देन इट विल बी लाइक दिस वे दैट ES2 will now be greater than the ES1. ये चीज हो जाएगी. ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, फ्लक्स लिंकेज यहां पे ES2 कॉइल के साथ इस कॉइल के साथ बढ़ जाएगा. सो ES2 will be greater than the ES1, then what will be the difference? So E0 is equals to ES1 minus ES2. तो ES2 अगर ज्यादा है, बड़ा अमाउंट है, then the output voltage, that means E0 will be the negative value. Negative voltage will be produced at the output voltage terminals. So for the negative value, we can say that the negative value suggested that 5S2 is greater than 5S1. ये चीज हो जाएगी, फ्लक्स जो है वो ज्यादा हो जाएगा.
So ultimately, the 180 degree, it is 180 degree out of phase है, ऐसा हम बोल सकते हैं with the primary. कौन? Secondary जो है, that is secondary 180 degree out of phase with the primary winding, or we can say the primary voltage. Okay, so that's how the three cases can be understood. So these three cases will elaborate you the complete working of the linear variable differential transformer. So ye yahan pe aapne jo cheeze dekhi, that can be also be plotted as in graph. So yahan pe agar aap dekhe, so the condition can be seen in this particular graph also, that I am taking the all the three cases and also explaining it to the in this graph. So this is my positive value, and same way if you take the negative values, then it will be like this way. So ultimately this suggests the null position. यहाँ पे मेरा जो है वो क्या हो जाएगा, दिस इज माई नल पोजिशन, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, दिस इज माई कोर पोजिशन, एंड हियर इट कैन बी सीन रेसिड्यूअल वोल्टेज. रेसिड्यूअल मतलब जब भी आप एनर्जाइज करते हो कॉइल को, तो कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिज्म स्टोर्ड हो जाती है एनर्जी, उसकी वजह से जो मैग्नेटिज्म हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज दी रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म. सो द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, दैट इज शोइंग दी रेसिड्यूअल वोल्टेज. सो दिस वे द कंप्लीट थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड. सो दिस इज माय केस टू एंड दिस इज माय केस थ्री. सो आई होप all of you get the complete knowledge about this graph also. So there are some advantages of this particular linear variable differential transformer. So the advantages can be defined like this way. The first advantage of this particular LVDT, that is my high range. इसकी जो range है उसे आप high रख सकते हो, कोई भी range तक जो है ये displacement measure कर सकता है. क्या रेंज हो सकती है? सो इट विल बी 1.25 mm टू 250 mm तक, ठीक है. तो दिस इज द थिंग. नाउ इट विल नॉट हैव एनी फ्रिक्शनल लॉसेस एज इट इज नॉट पर्टिकुलर मूविंग पार्ट, इट इज जस्ट मूविंग इन द लीनियर डिरेक्शन. सो नो फ्रिक्शनल लॉसेस कैन बी प्रोड्यूस्ड इन दिस थिंग. द थर्ड एडवांटेज ऑफ दिस इज high input and high sensitivity. It can be sensible for up to some more small levels. ठीक है, बड़ी चीजें जो है ज्यादा अगर output मिल रहा है, input मिल रहा है, then it is measurable also. But for the smaller amount of input, it can also be measurable. So typically it is giving you the sensitivity, it's at 40 volt per millimeter. So this way low hysteresis losses जो है वो यहाँ पे कम रहेंगे. As we know the reluctance path will also be lesser. So ultimately if the reluctance is lesser, the hysteresis part will also be lesser. It will also consume low power. So low power consumption, it is a very good thing for this particular LVDT. The second thing, the next thing, that is my direct conversion. Direct convert करके दे रहे हैं, direct conversion to electrical signals. ठीक है, तो ये एक challenge नहीं रहता यहाँ पे. So it is giving you the direct conversion of the electrical signals. There are some disadvantages also. So disadvantages क्या है वो देख लेते हैं. The disadvantage is that LVDT is sensitive to stray magnetic field also.
So they always require, setup. Setup करना पड़ता है to protect them from stray magnetic fields. So this is the concept. So second disadvantage, that is vibrations जो है वो उसको affect कर सकते हैं, vibrations and temperature. Okay, ये दो चीज है. And the application that we are already knowing that it can be useful, the application part, it is useful for the displacement measurement. So displacement ranging from fraction to of mm, fraction of mm से आप start करो, fraction of mm to few mp centimeter are to be measured. ठीक है, so this is the way. And the second is they can also act as in the secondary transducer. Secondary transducer के तरीके से भी ये use हो सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये directly electrical में conversion दे रहे हैं. So for example Bowden tube के साथ ये use हो सकता है. Bowden tube वो हम आगे पढ़ेंगे, that what is the Bowden tube, then we will discuss this thing also, that how Bowden tube will work as in primary and how this LVDT will work as in secondary. Okay, so I hope all of you gain some of the knowledge from this video. If you gain some of the knowledge from this video, then you should like and share the video and also subscribe to my channel. Thank you for watching the video.